फ्रेंड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी के चौथे क्वार्टर्स की रिजल्ट डेट आ गई और जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके लिए यहाँ पर पैसे बनाने का मौका है, क्योंकि रिजल्ट के साथ साथ और भी कुछ डेवलपमेंट आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस शेयर पर बात करें तो फ्रेंड्स, इसका जब बोनस या फिर स्प्लिट होने वाला था तब इस शेयर ने 4588 तक के हाई बनाए थे और बाद में यह शेयर नीचे 3400 तक आया था। तो फ्रेंड्स, अभी ये दोनों लेवल के बीच में यानी कि 3910 के आसपास आज क्लोज हुआ है। तो यहाँ से 10-15% की रैली इस शेयर में आसानी से बन सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो पिछले दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए तब जो भी बाजार के सभी दिग्गज ब्रोकर अनुमान लगा रहे थे उससे भी कहीं बेहतर रिजल्ट पेश किए थे। तो इस बार भी ऐसे रिजल्ट आएंगे ऐसी अपेक्षा के कारण शेयर रिजल्ट से पहले ही भागने लगेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और इसी वजह से यहाँ पर 10-15% का रिटर्न आसानी से बन सकता है। तो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसको यहाँ पर 100% रिस्क लेना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अब बात करते हैं इसके रिजल्ट डेट पर। तो फ्रेंड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी 27 मई को अपने रिजल्ट पेश करने वाली है और वहाँ पर अगर कोई डिविडेंड निकल कर आता है तो वो भी डिक्लेयर करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पर फंड रेस करने से रिलेटेड कोई अच्छी अपडेट आ सकती है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये तीनों डेवलपमेंट 27 मई को हमें पता चलेगी। तो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर साहस कर लेना चाहिए।